प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.1। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन भी अपलोड किया गया है। यदि आप 80/80 पाना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना पड़ेगा अलोंग विद योर एनसीईआरटी बुक। आज हम निपटाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे ही क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जैसे हैं, बस समझना है और करना है। कह रहा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर चूज करना है। क्या चूज करना है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों, आपको भी तो मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, बताइए तो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है कि यदि x की पावर 2 में आए तो ये मान समझ लीजिए कि ये कौन से फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, एक्सपोनेंट पावर उसकी होनी चाहिए 2। अगर क्यूब आ गई, 4 आ गई, 1 आ गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इट्स हाईएस्ट पावर ऑफ दैट इक्वेशन शुड बी 2। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए फिर क्वेश्चन लिखते हैं ये कि x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये है, तो इसको हमें चेक करने के लिए विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू सॉल्व इट। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ए पार्ट जो है वो क्या कहता है कि ये है x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। देखिए कैसे हम लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, आप जानते हैं 16 आएगा, प्लस का x² आएगा और 2ab। 2 क्या है? 2। ए की जगह क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। और बी की जगह क्या है? माइनस एक्स है। तो जब आप, सॉरी, डायरेक्ट इसको एक्स ही लिखेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8x। अनिवार्य 2ab है, प्लस का 3। सबसे पहले तो यही कट गया, जब ये कट गया तो यहाँ पे स्क्वायर वाले तो कोई टर्म बची नहीं है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। यहीं पे बात इस क्वेश्चन की समाप्त हो जाती है कि भाई उस प्रकार का तो हमें रूप ही नहीं मिल रहा, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। नाउ द बी पार्ट, बी पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन देख के घबराने वाली हालत छोड़ दो यार। बी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ही सेज दैट 2x² इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, और क्या है, 2x माइनस 2/5। आई बात समझ? इसको सोल्व कीजिए, जब आप इसको इसकी जगह 1 लिख दीजिए एक बार, है ना, तो ये माइनस का 2x² इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² ये पूरा 5 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 ही मानिए, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला 5 हम ले जा रहे हैं ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 2। नाउ विल मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 10x², ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 10x², और इस माइनस एक्स को प्लस माइनस 2 से करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 2x। अगेन ये माइनस का एक्स और माइनस का 10x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये भी गया काम से, ये ही नहीं है। सी पार्ट आ जाइए, सी पार्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों, के प्लस 1 और ये है x² प्लस
आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये आप क्वेश्चन कहाँ से लिख रहे हो, देख तो है नहीं रहे हो। बेटा मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन फोटो स्टेट करवा रखा है मैंने, प्रिंट आउट तो निकलवाया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक का, और के क्या रखना है -1, तो मैं वहाँ से लिख रहा हूँ, आप भी अपने बुक से लिख लीजिएगा, चाहे अगर आपने प्रिंट आउट ले रखा है तो। सो आप के -1 पहले रख दो भाई, -1 यहाँ पर रखेंगे, +1 यहाँ पर रखेंगे और एक्स स्क्वायर रखेंगे, +3/2x=7, देखते ही ये जीरो हो जा रहा है, तो ये फिर से क्या हो गया, खत्म। जीरो डॉट एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यार, जीरो, एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया। तो अगेन दिस विल नॉट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट में आ जाइए, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट, ये कहता है x³ - x² = x - 1 का होल क्यूब। कैसे करेंगे इसको सोल्व, x³ लिख दीजिएगा, x² लिख दीजिएगा, और a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था याद है क्या किसी को, a³ - b³ - 3a² + 3ab² ये ऐसे भी होता था, और हम क्या लिख देते ऐसे करते -3ab और a - b लिखोगे तो ऐसे ही तो आएगा भाई, -3ab करो उसको मल्टीप्लाई तो ये आ गया, और -- इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या जाएगा 3ab² वही चीज़ मैंने लिखा, घबराना नहीं है। x³ - 1 - 3a² तो क्या जाएगा 3x² b की जगह क्या जाएगा 1, और प्लस का 3a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1, समझ पा रहे हो। अब ये x³ से x³ कट गया, इसको मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का x² और प्लस का 3x² है ना, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 3x बचेगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 = 0। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों भाई, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में ax² + bx + c = 0, यहाँ प्लस माइनस से कुछ नहीं है, बोलो सर ये तो माइनस आ गया, उससे कुछ नहीं यार, पावर में देखना, ठीक है ना। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तो पूछ रहा था कौन है, तो इसमें तो खाली ये यस लगाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको बताना इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सोल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। इसमें भी आप सोल्व करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए पार्ट में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बिकॉज इसमें साफ साफ दिख रहा है, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ पेंडिंग बचेगा, इसमें 2x² हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। सी पार्ट में करवा देता हूँ, सी पार्ट में करवाता हूँ ना, डरने का नहीं, देखो सी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट सेज कि भाई √2x है प्लस √3 है, √2x + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है किसके, 3x² - 5x, a + b का होल स्क्वायर लगाओ, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो √2 का क्या होता है 2 होगा, x² + a² + b की जगह √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, समझ रहे हो ना यार, ऐसे करके लिख लो आप, आपको बात खोपड़ियों में नहीं घुस लिया तो ऐसे करके लिख लो, क्या दिक्कत है। +2ab तो +2ab करेंगे तो 2√6x हो जाएगा और 3x² - 5x कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, इसको इधर लाओगे तो घटाओगे, घटाओगे तो 3x² में से 1x² जाएगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। अरे वासन में डी पार्ट में आ जाएगी, व्हाट इज डी पार्ट, डी पार्ट में क्या करना बेटा, इसमें सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो x² से x² कट जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा, करके दिखाता हूँ, मैंने सोच लिया तो सोच लिया, 2x² और = x² + 3 + 4x², इसका स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, a² + b² करेंगे तो 4x², a² + b² + 2, a की जगह करेंगे तो x², b की जगह करेंगे तो 2x, a² b = क्या हो जाएगा x² + 3 + 4x², x² से x² कट गया, 4x² से ये गया, और
आपका क्या रह गया, 4x³ आ गया है ना, ये एक्स दो और एक एक्स, 4x³, और इसको इधर लगो तो माइनस का 3 जो कुछ ये पैर क्यूब आ गया। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट फॉर्म्स अ क्यूबिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट, और ये बाकी सारे क्या थे आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। इसको आप सोल्व करेंगे और आप बताएंगे कि भाई टू रूट किसका है। तो आपको मैंने एक चीज सिखाया हुआ है, क्या मैंने सिखाया हुआ है, अगर ये टू रूट कह रहा है तो सिंपल सी बात, जैसे रूट मतलब इसकी वैल्यू है, रूट बोलो या क्या बोलो, वैल्यू ऑफ एक्स बोलो, है ना। तो अगर ये अगर इसका टू रूट है तो यहाँ पे क्या लाएगा, जीरो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो। तो बस करो और देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो हम लिख देते हैं ए पार्ट को, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 5 = 0। हम सोल्व कर रहे हैं एल एच एस को, किसको सोल्व कर रहे हैं, एल एच एस को, चाहे सब्सटीट्यूट कर दो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 4 × 2 + 5। जब सोल्व करेंगे तो 4 - 8 + 5, 5×4 = 9 में से 8 जाए ये 1। तो ये तो नहीं है भैया, ये तो नहीं है भैया। बी में आ जाइए, बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट द बी पार्ट सेज, ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 12। फिर से 2 का स्क्वायर करो, 3 × 2 करो, माइनस क्या है 12, तो ये हो जाएगा 4 + 6 - 12। ये भी नहीं है, -2 आ गया ना, नो नो। इसके बाद है आपका सी पार्ट, 2x² - 7x + 6 सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर - 7 × 2 + 6। 2 रख रहा हूँ यार मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका करो तो 4 × 8 हो गया 14 + 6, 8 × 6 = 14, 14 + 6 = जाए तो क्या आएगा, 0। अब ये तो 0 ला दिया, जब 0 ला दिया तो यस ये है, ये है। डी पार्ट में आओ, अब डी पार्ट तो यार खुद ही सॉल्व कर लोगे, इतने तो समझदार हो मेरे प्यारे नन्नो। ये देखो 3 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 4 3 क्या आ गया 12, ये माइनस का 12 माइनस का 2, ये कट गया माइनस का 2 आ रहा है, तो ये 2 इसका क्या नहीं है, 2 इसका रूट नहीं है। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आप समझदार हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या कर सकते हैं देखते हैं, विल ट्राई टू डू द मैक्सिमम क्वेश्चन, टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए यार, है ना। आपके माता पिता बहुत ही परिश्रम से आपके लिए पैसा कमाते हैं और आप रील देख के समय बर्बाद करते हैं और देखते हैं पतली कमरिया बोले धाए धाए, तो वो धाए धाए उसकी कमरिया तो बोलती रहेगी, आपका समय बर्बाद होता रहेगा। यदि आप किसी के ब्लॉग भी देखते हैं तो भी आपका समय बर्बाद होता है। यदि आप किसी के फैन हैं, अगर वो साइंटिस्ट और अपने कोई रोल मॉडल अच्छे नहीं है तो भी आपका समय बर्बाद होता रहेगा। तो आप अपने माता पिता के पैसों और मेहनत की कद्र कीजिए, पढ़ते रहिए।